सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे सभी भाइयों का एक और नए ब्लॉग में। भाई मोटा ना कल रात को लेट आए, ये तुम्हें पता ही है, लंबा मेरे को मिला रात को, ठीक है। और ये साढ़े सात दल्ला है ना एक नंबर का, कैमरे के पीछे शक्ल दिखा दे भाई अपनी बहन के। मैं क्यों होता भाई दल्ला? अब बता दो क्यों होता दल्ला भाई। ये ना इतनी दूर से आया, इसको ये होना चाहिए कि भाई मैं वहां से आ रहा हूँ, ठीक है, पहले जाके ना भाईचारे में बैठना चाहिए भाई। लंबा गांड पता क्या फटी हुई थी, लोड़े तीन दिन से नहीं सोया। लंबा वो भी भाई तेरा भाई है, वो भी तेरे साथी था, वो चूतिया सोता है पूरे रास्ते, जाते हुए पूरे से सोया। मैं गड्डी लेके गया हूँ वहाँ पे। चलो भाई, तो कहने की बात होती है, बाकी चलो ठीक है। ये आया, इसने फोन भी नहीं करा कि भाई मैं आ गया और क्या हाल चाल, ठीक है भाई। लंबा आया स्पेशल मिलने भाई को। हाँ मैं उधर ना लंबा आया स्पेशल मिलने भाई को, इसको कोई लेना देना नहीं भाई, सीधा आके घर चला गया, सो गया अपनी गांठ टिका के। मैं शर्म तो नहीं आई होगी ना, मैं जाती सोया बहन जो कसम से। चलो भाई कोई बात नहीं, अभी आया जिससे बदले लेंगे पूरे, ठीक है। अभी जाना बाल कटाने के लिए, ठीक है, बाल बूल कटा के फिर देखते हैं क्या सीख लगता है। पूरा दिन पड़ा अभी, तो तुमसे मिलते हैं तो बने रहना एंड तक भाइयों। कुछ लोग ऐसे दल्ले होते हैं ना, इसके घर वालों ने उसको बोलना, इसकी ना मित्री क्यों उठाना, इतने प्यार से बोलना इसकी मम्मी ने कि भाई दारू पीनी सिगरेट पीनी छोड़ दे। लेकिन भाई बता, अच्छी बात है, पहले बता फोन पे लग गया होगी लोग, भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है भाई, तू करता ना मेरी वैल्यू, बाकी मोटा अपना सेट हो गया, इसके बाल कटवाएंगे आज। बैग चेक करो भाई की, अरे दिखा दे साले, छियाली मां किस्म झूठ नहीं कह रहा मोटे, मैं झूठ बोलूंगा यार तेरे को साले, बॉडी के मामले में कोई झूठ नहीं भाई। खड़ा हो साले, पब्लिक को बैक देखेंगे साले, यही तो याद रह जाएंगे फिर जब तेरी बॉडी बनेगी, जब मतलब बॉडी तेरी बन चुकी है। चल बाल कटा के आया तू पीट के, दिखाइयो। अबे खड़ा हो जा यार, कैमरे में नहीं आ रहा। ओ भाई कितने दाने इसके, गाइस स्टेरॉइड से लेता है ये, अगर मना करेगा ना मारना मत इसकी बात। फिर तो तेरी आती रहती होगी ना सवेरे शाम। ओ यार चला दे भाई, ओ मेरे आज तक एसी चलाना चाहिए, ठीक है ठीक है। सिरी ला पहले, हाँ बोल, तभी जाऊंगा पहले, हाँ बोल। भाई आओ, कोई और हमारे तल्ला वैसे बोले ना गांड भी पाड़ जाएगी। चलो इसको बात करते हैं, सीरियस बात, सीरियस बात नहीं, इसने सिगरेट पी है तल्ले ने। वो बहन के खाले मां की कसम नहीं, तू मां की कसम नहीं यार। तल्ले मोटे क्या दिला रहा है इन सब में से, जो मर्जी ले ले भाई, भाई के लिए पूरा चख लूं, ये चख ले पूरा तेरी बहन की मां। तो यार भाई ये ना मेरा दोस्त है, मैंने गलत काम करने से रोकता हूँ, मैं ना ऐसे वीडियो जानबूझ के बनाता हूँ कि ना गलत काम करने से हट जाए, लेकिन भाई ये नीचे ही हटता है। यार एक बार दिखा दे भाई, फिर मैं हट जाऊंगा। क्या दिखा दूँ? ये दिखा दे भाई, अपन तो पहले पीएंगे फिर देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। वो बैठ की टाइम साले देख, सील के साथ ही बाहर आ गई, सील समेत बाहर, सील टूटी भी नहीं, सील सीधी बाहर। इससे गाइस तुम्हें एक शिक्षा मिल सकती है, सील इफ यू नो यू नो। अरे भाई के भाई भी सील पे भरोसा मत करो, जरूरी नहीं है कि अगर सील नहीं टूटी तो भी बाकी चीजें भी सही हैं। सील तो सील तोड़ा था। ये देखो भी जैसे सील समेत बाहर आ गई ना, अब इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये रियल है, ठीक है। ये अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है। और इसकी भी है। इसकी भी बात है दल्ले। अगर सील सही नहीं है ना, अगर सील ऐसे भी आ गई बाहर, तो इसका मतलब है कि दूसरी चीजें भी बाहर आई हुई है। सब कुछ है भाई, सील पे भरोसा ना करो, सील पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो भाइयों जोन से तुम्हारे तो बांधने चौथे ट्रिपली नहीं मारनी, ये नहीं करनी, तो भाई हम गांड नहीं मारते, भाई चल रहे चलता है। क्यों सिंगल सीटर से मार रखा है, फिर दिक्कत होती है भाई बाद में, दिक्कत ना। चलो तो भाई लंबा आ गया, क्या सीन है अभी मोटे साथ जाके मैं कटिंग करवा के, दल्ले ने मेरे को बताया नहीं कटिंग कराने जा रहा हूं मैं, तो कई बार फोन पे वही तेरे को पता ही, वो बंदा कैसा है, वो तो बंदा थोड़ी है, बंदा थोड़ा ना, जनानी बाज है। चलो कोई बात नहीं, क्या करें भाई, बाकी मैंने नहीं बताया था, मैं तुम्हें पता ही है मोटा कैसा है, भाईचारे वाली कोई बात है नहीं उसमें, ठीक है, लड़की बाज है वो, हो गया। चलो कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में एक स्टेज आती है ऐसी, लेकिन हम उस स्टेज से
हम उस स्टेज से बहुत पहले हमें आई थी भाई, नहीं ऐसी वाली तो नहीं आई थी कि हम लड़की को पीछे ही आए थे, ऐसी तो नहीं आई थी यार, फिर तो हमारी आई नहीं, हम कोई पहुंचे नहीं। चलो कोई बात नहीं, शायद इसीलिए हम दुनिया से पीछे रह गए। चलो अरे हम ना यार छोड़ो, कहाँ छोड़ मुंह पे यार, क्या वो मुझे कभी अपना पाएगी मेरे इतने सारे रेड फ्लैग्स के साथ, जैसे मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ, जैसे मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जैसे मैं उसके लिए प्रोटेक्टिव हूँ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जैसे मैं उसके लिए पोजेसिव हूँ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग, क्या मैं नशे नहीं करता, मैं दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग, हम क्लब्स नहीं जाते, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, हम क्लब्स नहीं जाते, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, हम जिम जाते हैं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, और हम शो ऑफ नहीं करते, वो सबसे बड़ा होगा, हम शो ऑफ भी नहीं करते, ये भी इतना बड़ा रेड फ्लैग है यार, क्या यार, हम अपनी लिमिट्स जानते हैं, विल सोसाइटी एक्सेप्ट अस, क्या वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगी, यार जो भी है क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी हमें भाई, इतने सारे रेड फ्लैग होने के बावजूद मेरे को तो लगता है वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगी, हमें क्यों, मुझे इसे क्यों कर दल्ले भाई, लंबा बुड्ढा हो गया देखो चिट्टे वाल आ गए दल्ले, चिट्टे वाल उम्र होगी इसकी, ये मेरे बापू का क्लासमेट था, कसम से मेरे बापू का क्लासमेट था, इकट्ठे पढ़ते थे क्लास में, फिर ये फेल होके मेरे साथ आ गया, तो भाई लंबे ने गाली दे दी है दो दो गंदे गाली, और आज ये मारेगा 100 पुशअप, और ये मेरे को कह रहा है भाई तूने कैसे मारे थे पुशअप, इसके कहने का मतलब है कि मैंने हाफ रैप्स मारे थे, मैंने कंप्लीट नहीं मारे, तो भाई इसने 100 पुशअप मारे, अगर ये हाफ रैप्स करके ही मारेगा ना इसकी गर्दन फट जाएगी, मजा आएगा, 100 पुशअप मारियो, 100 पुशअप मार ले, 100 पुशअप मारेगा तू, प्रूफ ठीक है भाई, अगर प्रूफ मांगने तो फिर मुक्के खाइयो, तो क्या ठीक है 100 पुशअप मारेगा भाई, लंबे ने जैसे कि तुम्हें गाली दिया ठीक है, इसने कह रहा 100 पुशअप तो मैं मारूंगा नहीं, मैं चल भाई तेरे को एक शर्त पे छोड़ूंगा, मेरे को बता दू तू पिलाई रहा ठीक है, एक के ऐसी चाप भी कराएंगे देख ले, जे मुकरा फिर 100 पुशअप मारेगा, करो भाई इससे 100 पुशअप इसके तभी माफ होंगे जब मिल्क बादाम भी पिलाएगा दो, ठीक है हां तेरे बाप ने देखे दो लड़कों के इकट्ठे, हां देखे हैं तेरे ने देखे हैं, वो तो नहीं, तो भाई आज ये मिल्क बादाम भी पिलाएगा और केएफसी चाप भी खिलाएगा, वो नहीं केएफसी का चिकन रोल और सब दिन खाने की सोच रहे थे, रोल हां साढ़े वो रह गया फाड़, चलो खाएगा चिकन रोल, आज लंबा भाई खिलाएगा, माफ कर दिया इसको, माफ कर दिया इसको, अरे ना मतलब हां खिलाएगा तो मरूंगा ना पागल, आज भी खिलाएगा भाई साले ना पूरे जनानी वाले ड्रामे चोते बहन चो इतनी देर लगाई ना इसने, बंदे मैंने लग और इंसान फिर भी नहीं लग रहा साला, कैसा लग रहा, चलो कोई बात नहीं सही है, अभी चलते हैं केएफसी रोल खाने, अभी साले फिर मोटे वो साले केएफसी वाला रोल खाने के लिए, वो भाई एक ही बार जाएंगे यार, पागल हो गया क्या, फिर मोटा भी होगा साथ, फिर ना बोलियो मेरे को मोटा कौन है, मोटा कैसे यहां पर खा लेगा भाई, चल ले भाई अभी चल ले साले, अभी चलते हैं यार फुद्दू मत नगर, ओ भाई वॉशिंग आके करा लेंगे, ना ना अभी चल रहे हैं, अभी चलेंगे, यस भाई देखो बाहर बूर निकला करते ठीक है, हम तो गाड़ी में बैठ के ही गाड़ी धुलवा लिया करते हैं, और ऐसे ही अपना स्नोफॉल चलती है, स्नोफॉल नहीं चलती ऐसी उसकी हालत होती थी जब वो मेरे साथ होती थी, इसे बंद कर यार, और ऐसी फिर वो साफ किया करती थी गाइस, चलो वो भी टाइम होता, चलो कोई बात नहीं, तो भाई वो बात पता क्या करता है, कह रहा भाई बस अब गड्डी खड़ा देनी है, ये बात पता कौन बोल रहा जो हगने की बहन जो गड्डी में जाता अपने, दूध भी लेके आना गड्डी में चलेंगे, बुलेट बेच दिया इसीलिए कि गड्डी चलाते हैं, बुलेट कौन चलाता है, अरे चल चल देख लियो भाई, बुलेट कटाता घर पे बंदा है वाला, बुलेट कटाता घर पे बहन जो बुलेट बेच दिया कि बुलेट कौन चलाता है, गड्डी चलाते हैं अब, गड्डी लाऊंगा बारिश आ रही है और बुलेट खड़ा बुलेट लाऊंगा, घंटा चलाएगा तू साले, जबकि गड्डी आई है गड्डी भी रगड़ी हुई है पूरी, गांड मार ली गाड़ी की अच्छे से, और बुलेट बेचारा धूल मिट्टी खा रहा था उसे बेच दिया सालों ने, तो भाई वो फाइनली अपने साथ मर गए बिना लड़की बाज आ गया हमारे साथ फाइनली, अब इसकी वीडियो कॉल खत्म होना खर्चा सबसे कर लीजिए, मैच नहीं देख रहा था वीडियो कॉल कर रहा था, ये तो यार अच्छा वीडियो मतलब दिखाने ही आना, चल कोई बात कोई बात, साफ चरित्र दिखा रहा अपना है साफ, ये अपने आपको प्रूफ कर रहा है कि मैं भाई लड़कियों के साथ नहीं घूमता, भाईचारे में भी उठता बैठता हूँ, और इसके लिए तेरी इसकी मिनट तेरी कितनी करनी पड़ी आज, लटकाने बंदूक मिलेगी वैसे
कमर कर रहा पूछ दूंगा थ्री बी टू वाला नीचे से बढ़िया है नीचे बैठने वाला है लड़कियां देखने सारे बस कट कर एक तरह से करा घूम रहा है बाल सेट करवाने के लिए आगे साल के बाल ना सीधे रखे तो घूम रहे हैं फुद्दू लग रहा है एक नंबर मैं खड़े खड़े कई बार कर लेंगे और फिर सीधे बाल खड़े सुखी नहीं सुखी नहीं तू फुकी बन गया बोकी बन गया तेरी बोकी चलो गाइस मिलते हैं तुम्हें योयो पे नहीं योयो पे क्यों यार बहुत बकचोदी उसके बाद एंड से बाहर का रिकॉर्ड करेंगे कुछ तुम्हें मस्ती कराएंगे थोड़ी सी चल बने रहना एंड तक और वैसे भी जाम जाएंगे वहां तुम जाओगे ना साथ तो बने ही होयो अब यहां तक आए हो तो फटाफट लाइक कर दो इसी बात पिछे गांड पड़ी दल्ले का तुम ओए मोटे चेता जैसे हरिद्वार में कच्चे भाई कैसे घूमते सिर पे ओ भाई दिखा दे भाई यार मोटर यार क्या हो गया यार कैसे करता भाई कच्चा भाई वो कंटेंट नहीं देता भाई यार अब दोगे भाई यार बयान की चूत क्या वैसे यार दोस्ती भाई गांड मरा गया बैठ के लड़ कर कर प्यार देगी उछाल उछाल के पांच चार वाली लड़कियां उछाल उछाल के पूछ उछाल के देती है प्यार देखा जैसे भी इसने पता रखी क्या बोलो मैं पागल है मोटे यार पांच चार वाली लड़कियां क्या करती है उछाल उछाल के क्या करती है तेज बोल भाई नहीं सुनता व्लॉग इसको प्यार देगी चलो चल के वो पांच चार लड़के हटवा रहा मेरे से पांच चार लड़के देती है क्या लोड़े एक बार मैं नहीं सुनता तुझे अरे तूने बोल रहा क्यों यार ऐसे क्यों बोल रहा तुझे मैंने करा बोल दिया उसका नाम नहीं तो क्या जिसके बारे में बोल रहे वो छोटी से बोलना कैसे यार तरीका देखा तूने भाई पांच चार लड़कियां उछल उछल के देती है प्यार प्यार तो भाई वैसे तो कभी स्कूल में नहीं पढ़े स्कूल की किताबें इन्होंने चक्के नहीं देखी कभी और यहाँ पे साले ऐसे खड़े जाते हैं ना जैसे पता नहीं कितनी बुक्स खरीद लेंगे ये और ऐसे शो करेंगे इसका पता नहीं कितने पढ़े लिखे हुआ 14 बन रहा है बाकी भाई ऐसे दिखाता ना यहाँ पे अभी तो कहीं पे बुक्स बॉक्स नजर आ गई पता नहीं कितने बुक्स पर ध्यान देता है पढ़ता ही होगा बहुत ज्यादा और घर जाके ना किताबें इसकी मिट्टी खा रही होती है यहाँ पढ़ी होती है भाई पढ़नी है तो लेके चलियो ऐसे गंदना यहाँ पे ओ ये ले ले लनका भाइयों आ तो गया है यहाँ पे और हमने करवा लिया ऑर्डर वगैरह दे दिया मोटे के अब चिकन रोल लेके इसके चिकन रोल देंगे मूवमेंट पक्की बात ठीक है तू पिएगा क्या पिएगा स्कूल में क्लास में बैठ कर तुम्हें गलती ना पहले बंदे को बुला लेना पहले बुला लेना बंदे को थ्री माइनस टू और मैं बोलता हूँ और फिर असली में बोल भी देना फिर वो कहना नहीं गाड़ी दी नहीं साढ़े थ्री माइनस टू बोला तो भाई वो चिकन रोल आ गया अपना और तुम इसका रिव्यू देते हैं पहले खा के कैसा बढ़िया या नहीं है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी खाया नहीं और नया नया आया भी है वेरी नाइस बहुत बढ़िया लेकिन कैसे तो मुकाबला नहीं है बढ़िया तो भाइयों बाया बाई सेक्टर और बाई सेक्टर तुम्हें पता हम क्यों आते हैं मिल्क बादाम पीने के लिए मिल्क बादाम और मोटा नहीं पिएगा मिल्क बादाम आज मोटा करा भाई ओ बोतल भाई देख लो ये जेब में कुछ और लग रहा है बोतल लग रही है मिल्क वो मिल्क बादाम मिक्सर में पिएंगे हम जाएंगे बाकी भाई अब जा रहे हैं मिल्क बादाम पिएंगे बढ़िया एक नंबर मिल्क बादाम पी के फिर तुम्हें मिलते हैं बाकी तुम्हें भाई से मिलाते हैं वहां पे जब भी उसके सामने जाके व्लॉग बनाते हैं उसके घर आगे भाई लोग आगे चलो भाई वो कहता आगे बहन के लड़ फिर आगे यानी वही बिलो टैम काटते नहीं दुनिया दे तो भाई वो आ गया भाई के पास मिल्क बादाम पीने के लिए हमेशा की तरह और इस बार मोटे को भी लेके आए आज मोटे का रिव्यू चेक करेंगे मोटे को कैसा पसंद आएगा मिल्क बादाम क्या हाल है भाई लोग ठीक हो तीन मिल्क बादाम दे दो और एक बोतल ले लो एक ही मिली दूसरी हाँ मेरे मम्मी आते हैं बहन के साथ आते हैं ये बोतल से क्या होगा
बाकी भाई चलो पी के बताते तुम्हें आज मोटे का रिव्यू क्या चलेंगे, मोटे को कैसा पसंद आता नहीं, मोटे तेरे को कैसा पसंद आता है? मतलब तेरे को लंबा पसंद है? ये तो मैं काट दूंगा। मोटर रिव्यू कैसा है? सही बताइयो। सही है। जोन साहब ने टट्टी वाला था, जिस जोन साहब आप पीते थे उससे बढ़िया? उससे बढ़िया नहीं है भाई, वो अपनी जगह अच्छा है, अपनी जगह अच्छा दल ले। मतलब ये बायस है, ये दो, ये बहुत वो है, मेरे को वर्ड नहीं पता। ये अच्छा बनता है, टट्टा है। तो भाई आज बहुत खा पी लिया और गांठ फट गई, कसम से भाई सुस्ती चढ़ रही है। अब तो मैं घर जाके सोऊंगा और शाम को हमने जाना, बंद करे, और शाम को हमने जाना फिर प्लेबॉय, और तुम्हें फिर वहीं पे मिलेंगे पार्टी करते हुए। और हो नहीं जाना तो आइए भाई, पक्का है। और भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रात का व्लॉग फिर बहुत लंबा बन जाएगा, और ये वाला व्लॉग अगर खींच लिया तो भाई कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिल्म बन जाएगी पूरी। बाकी यार थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, आज का व्लॉग करते हैं दोबारा शुरू। ओके गाइस, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मोटे गांड पार दो, गाली लिख दो, कैंट सी थोड़ा पापी, मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से भार छाती।